वेलकम अपना कपिल शर्मा शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमशेर, मैं पहले भी बहुत बार पुलिस स्टेशन खोल चुका हूँ। एक बार तो मैंने पूरे का पूरा पुलिस स्टेशन खोल दिया, कैदी भाग गए। मुझे 2 साल की सजा हुई और 2 सालों में मैंने पुलिस का सारा काम सीख लिया है। अच्छा, मुझे लगा कि इतनी चोरियां चकारियां हो रही हैं, सिर्फ चोर ही पैसा क्यों कमाएं, हम क्यों ना कमाएं, तो मैंने अपना पुलिस स्टेशन खोल लिया। हेलो हेलो हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, हमारा फोन नहीं चल रहा है, कुछ करेंगे? ठीक है। यस शमशेर भाई साहब, आप लेकिन आपने ये पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? आप ना बेस्ट, वो कैदी के कपड़े में बेस्ट लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना वो लाइन लाइन वाले कैदी वाले। हथकड़ी के मुंह वाली औरत, आते ही तुमने गिरफ्तारी वाली बात की है, चली जाओ नहीं तो सजाए मुंडन कर दूंगा, गंजी होके घूमती रहोगी। ये कौन सी सजा हुई? और वैसे भी अगर आपको सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाके किसी दुल्हन को सजा दीजिए। आपको पता है थाना खोलने का काम सरकार का होता है। सारा काम सरकार करे, तुम खुद कुछ ना करना मोटी आलसी औरत। अच्छा एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने थाना खोल लिया, तो आपको ये सैलरी कौन देगा? तुम्हें क्या लगता है हम सैलरी के भूखे हैं लालची हैं? हमारे पास बंदूक है, वैसे पैसे छीन लेंगे। बदतमीज। ये जैसी हरकतें कर रहे हैं ना आप, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई भी केस आने वाला है। देखो कोई केस आए ना आए, लेकिन बोनी के लिए हमारे गांव में एक ताऊ जी हैं, उनको पकड़ के अंदर कर देंगे। उनको अंदर क्यों कर देंगे? उन्होंने क्या किया, कसूर क्या है? उन्होंने कार ले ली ना, तो इसमें गलत बात क्या है? हमसे पहले कैसे ले ली? पता है कोई रिश्तेदार नहीं कार ले ले, कितनी जलन होती है। लेकिन मेरी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, कहती बेटा ऐसे जलना नहीं चाहिए, ईंट लेके जाओ उसका शीशा तोड़ दो। देखिए आपको ऐसे ही काम करने हैं तो अपने घर में जाके कीजिए, ये हमारी सोसाइटी है। तो ये हमारा पुलिस स्टेशन है। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी और मोटी पुलिस वाली बन सकती हो। मैं तो कहता हूँ यू आर सिलेक्टेड, चलो जाके उधर आपको वर्दी पहनो, चलो। मैं दिल में आती हूँ, जेल में नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों जगह नहीं आ सकती, चलो दफा जाओ, उधर जाओ तुम्हारी वर्दी पड़ी है, उधर चलो पहन के आओ। मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया, मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए, क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। अच्छा मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान कितनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों, तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते। एक सेकंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं इधर। एक सेकंड, हमारा हॉस्पिटल, आपका क्या लेना देना हम इसे खुला रखे या बंद? देखिए आप जाइए यहाँ से वरना मैं पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अब मैं क्या डाकिया हूँ? मैं खुद पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखूंगा ही नहीं। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाऊंगी। एक काम करो, ले दे के बात खत्म कर देते हैं, 1000 रुपए दे दो। बात आपको खत्म करनी है, मैं क्यों आपको पैसे दूं? मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं। जय हिंद। हवलदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। हवलदार बम्पर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो? कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उसे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। वो पेशेंट है तुम्हारा, बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना। आज मेरे साथ, खैर वैसे भी अब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, पुलिस के साथ बदतमीज करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। ओ 500 किलो, ऐसे कोई 4 सेंटीमीटर की लड़की से बात करता है? सुनो तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? अरे ये चूही क्या करेगी हमारे साथ? अरे इसको हम चाइल्ड पुलिस बुलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के सॉल्व करेगी, जैसे पिगी बैंक के में पैसे चोरी हो गए, किसी का चॉकलेट को लेके झगड़ा हो गया। मेरे जमीर में दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। ए, 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 चल चल अंदर चल, जमीर वाली चल 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 चलो भाई, बड़ी जमीर है, जमीर की चाची।
सुनिए, मैं भी जरा अभी पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ और मैं बहुत सारा खा के लौटूंगी, आपको कुछ चाहिए? एक काम करना, मेरे लिए माँ की दाल और बाप के चावल ले आना, फटाफट। ओके इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा रिपोर्ट लिखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल, मैं क्या बताऊँ आपको, इस मोह माया से तंग आ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं पहाड़ों पे चल के एक एक कप गरम गरम बियर पीते हैं। लेकिन बियर तो चिल्ड पीते हैं ना? नहीं, पता क्या, पहाड़ भी चिल्ड होते हैं, बियर भी चिल्ड पी ली, मामला कहीं चिल्ड आउट ना हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। ओहो, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ खोया आपका बॉयफ्रेंड? एक्चुअली हम लोग बाहुबली 2 देखने गए थे। अच्छा, बाहुबली देखने गए थे, तो बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपको जानना है ना तो जाके देख कर आइए। 500 रुपए की टिकट मैं क्यों जाऊँ? एक काम करिए ना, आप लो 10 रुपए, मेरे को वैसे बता दो क्यों मारा था। कटप्पा ने बाहुबली को अपनी माँ के कहने पर मारा था। तो घर की बात होगी ना, 10 रुपए किस बात की? बैठिए, ये तो गलत बात है। अच्छा ये बताओ, टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा, शो हाउसफुल था? हाँ। ओके, कॉर्नर वाली सीट मिली थी? ना। तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है? अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा है फिर कहाँ, किस बात का? अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या? ऐसे कैसे सीट कोई भी हो उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? अब जब शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं, तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएं कि रिश्ता? क्या बोलती हो? मैं बात आगे बढ़ाते हैं, मैं मीडिया को बुलाती हूं। मीडिया को क्यों बुलाती हूं? इतना मीडिया के, आइए बैठिए, ढूंढ देते हैं आपका पति, इसमें परेशानी क्या है? बॉयफ्रेंड अब जो भी है बाद में तो बनेगा एक नहीं। तो रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? 4 साल। तो वही वाला चाहिए कि नया वाला ढूंढ के दूं? नया वाला क्यों, मुझे वही वाला चाहिए। वही वाला चाहिए, मैं तो कहता दही वाला ले लो। भाई आप परेशान क्यों हो रही हैं, वही वाला ढूंढ के देंगे आपको। हेलो बेबी, मिला क्या? हेलो, हाँ मैं नेटवर्क एरिया में आ रही हूँ। हेलो, ओहो चलो छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे, अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, चल चुपचाप, मुझे छोड़ो, ये मैंने कुछ नहीं किया। ये डुप्लीकेट अक्षय कुमार जैसे दिखने वाला कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है, ये बाहर खड़ा था, मैं ले आई इसे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए कि बाहर खड़े होने में जुर्म क्या है? देखो तुम बाहर खड़े थे। हाँ। एकदम सुनसान था ना। हाँ। फिर कोई लड़की आती। हाँ। तुम लड़की को छेड़ते। हाँ। देखिए जुर्मों से पहले ही पकड़ लिया मैंने, जुर्म खत्म अच्छा, कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। इतने बड़े लौंडे हो के कुछ नहीं करते, हमारे देश की प्रॉब्लम यही है, देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लाना था तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। वही तो कब करोगे, जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे? घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होगा, 2 पैसे कमाएगा, पर ये देखो। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो, यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे, पापा ने एक ही शादी की है, और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूँ? अच्छा माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे हैं? तो काम क्यों नहीं करते जाके, आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो, तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो, आज कह रहा है पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा, गद्दार। एक मिनट बंपर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने, चलो उठाओ। लगा रही हूँ। बेवकूफ, ऐसे कर थोड़ी करते हैं, तलाशी लो इसकी पहले। एक सेकंड, ये तो मेरे घर का सामान है, और एक सेकंड, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। अरे अरे पैसे क्यों निकाल रहे हो, पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आप को तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बम्पर, एक काम करो, इसको अंदर डाल दो, छोटा सा मुक्का मार देना ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो
अरे अरे सर, चलो अंदर चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में। चलो लीजिए। देखिए मेरी तो आज की सैलरी का इंतजाम हो गया। हाँ बस अब आपकी सैलरी आ जाए तो आज थाना थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब जी, हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। आइए। हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए एक बहुत सयाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जी यहाँ लबेड़ हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो? क्या चटाई ले रहे? नहीं चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या चिकाई? हाँ चिकाई चिकाई यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए, बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए। जी लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो एक थाली। ये देखिए ऐसा ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ? ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं, बंदूक बंदूक है, ये सब पूरा जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। गलती हो गई जी, हम का करे, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ। पहले हमारा सामान चोरी हो गया और जी आपकी मुंबई में इतनी इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब जी, अगर एक चील्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। बंपर तो चकना भी मंगा लीजिए साथ में। हाँ, बियर आई सुनो, नींबू नींबू डलवा देना और साथ में वो क्या कहते हैं जी प्याज भी डलवा देना, हरी मिर्ची। हाँ मजा आ जाएगा सर, मुझे तरबूज ना निचोड़ दूं मैं। हाँ जी ठीक है। बंपर अगर अगर तुमने फालतू की बकवास की ना, मैं तुम्हारा मुंह उतार के तिजोरी में रख लूंगा, समझ में आया बेवकूफ। अब बताइए आपका सामान गायब कहाँ से हुआ? कानपुर एक्सप्रेस से। कानपुर एक्सप्रेस आ गई? हाँ जी तो कभी की आ गई। ओहो मुझे बुआ को लेने जाना था। एक काम करो तुम इनको चाय पानी कुछ ना पूछना, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट जी, हम चाय पानी पीने ना आए हैं जी, हम अपने सामान लेने आए हैं, अपने सामान। वो तो ठीक है लेकिन हम तो सामान बेचते ही नहीं है जी। हम कौन सा सामान खरीदने आए हैं जी? हमने तुम्हें बताया ना कि हम कानपुर मेल से आ रहे थे, भुसावल आया तो हमारी आँख लग गई। किससे लग गई? जी ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो भुखार पे ऐसा मरेंगे तो देखते रह जाओगे। हमने बोला हमारी आँख लग गई मतलब नींद आ गई जी, आँख खुली तो मुंबई स्टेशन आ गया तो हमारे सामान को लेकर चला गया। देखिए 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 ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका सामान मुंबई आना ही ना चाहता हो, वो भोपाल में ही उतर गया हो। जी सामान अपने आप उतर जाता है? अरे हैंगओवर अपने आप उतर सकता है तो सामान क्यों नहीं उतर सकता है? वैसे आप एक बात बताइए कि आपके सामान में क्या क्या था? जी हाँ जे हमारे सामान में 4 साड़ी, 2 पेटीकोट, 1 तौलिया और जे खाने पीने का सामान। लेकिन 4 साड़ी के साथ 2 ही पेटीकोट क्यों? अच्छा सफेद और काला सबके साथ चल जाता है ना, वही तो करते हैं सब लड़कियाँ। सही है। वैसे एक बात बताइए, ये जो आपके पास इतना सारा सामान था तो आप मुंबई क्यों आई? छुट्टी मनाने के लिए गोवा ही चली जाती, मजा आ जाता। हमारी बिटिया जो है ना वो मुंबई में रहती है तो हम गोवा कहाँ जाएंगे? एक बार बताओ खुद इतना सारा सामान लेके आती हो। हाँ। बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई हैं? बच्चे बेचारे मदर्स डे पे फोटो खींच खींच के माँ की एडिट कर करके डालते हैं कि आई लव यू मदर, पर खाली हाथ आ गई, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं हम लाए माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई। आलसी औरत, ऐसी औरतों से तो अच्छा है भगवान सारे के सारे मर्द बना दे। जी आप सबको मर्द बना दोगे तो औरतें कौन बनाएगा? नहीं नहीं उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए एक बंदा है यहाँ पे। बस हमारा सामान दिला दो नहीं तो ऐसा रायता फैलाएंगे जो तुम समेटे ना समेट पाओगे। रुक जाइए एक मिनट, जरा बताइए आपके पास चोर की कोई फोटो है? हे भगवान जे इन लोगों को कौन समझाए कि चोर की फोटो हम कहाँ से लाए? अच्छा वैसे तो 50-50 सेल्फियां लेके फेसबुक पे डालती हूँ, करवा चौथ वाले दिन चोर के साथ एक फोटो नहीं खींच सकती थी? अपना फेसबुक अकाउंट चेक करवाओ, किस नाम से? एंजल प्रिया। तेरी टॉप वे 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 तेरी ये क्या कर रही? एंजल एंजल नाम बनता है इनका, ये क्या कर रही हो? बंदूक को लग जाएगी। आपका नाम ना रामलाल होना चाहिए, रामलाल। देखिए आपके पास ना सामान की फोटो है ना चोर की फोटो है, किसी की फोटो दिखाओ, कोई हीरो हीरोइन की दिखा दो, मैं मजा ही आ जाए। जी हमारे पास हमारी बिटिया की फोटो है, देखो मिस कानपुर रह चुकी है।
बिटिया तो आपकी बड़ी खूबसूरत है, इस केस की पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी, हो सकता है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 2-3 महीने आपके घर में रुकना पड़े। चिट्ठा बकलोली हो रही है, जे थानेदार साहब क्यों रहेंगे ला जाकर हमारी लड़की के घर पे, जे हमारी बिटिया के घर में तो जगह भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी बड़ी माँ को रख सकती है वो? हाँ। पति को रख सकती है? हाँ। और एक पराया मर्द नहीं रह सकता उधर? जो पराया मर्द क्यों रहेगा उसके घर में? एक मिनट, जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वो क्या सगा मर्द था उसका? पराया मर्द था ना? हाँ। तो फिर हम नहीं रह सकते हैं क्या? वो कहावत नहीं सुनी आपने कि सास भी कभी बहू थी? उस कहावत का इस केस से क्या लेना देना? तो आपके केस से हमारे केस से क्या लेना देना? सामान आपका चोरी हुआ है, चोरी चोर ने किया है, आप इधर आई कि नहीं आई? एक मिनट रुक जाइए, जरा साफ साफ बताइए कि आपका दामाद जो है वो काम क्या करता है? बैंक में काम करता है। उसको फोन करके जरा पूछो, 500-1000 वाले नोट बंद क्यों कर दिए? उसने बंद ना किए, वो बैंक में नौकरी करता है। नौकरी? नौकर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी, दो स्टार वाला इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़ा, उनका आपको ध्यान ही नहीं कोई? हे भगवान जी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सर है ना वो कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। इस आदमी से तो मुझे बात ही ना करनी, जो तुझसे भी ना बात करनी, हम कमिश्नर को फोन लगाएंगे बस। हेलो, कमिश्नर सल्ला स्पीकिंग। जी, कमिश्नर तो बलवंत राय था। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। देखिए, जो बलवंत राय थे वो जेंट्स कोटे के कमिश्नर थे, ये लेडीज कोटे के कमिश्नर हैं। कमिश्नर साहब, चलिए आपका गश्त का टाइम हो गया, फटाफट निकलिए गोली की तरह, चलिए। जी, कैसे हो सकता है? थानेदार कमिश्नर को आदेश दे रहा है, ये कमिश्नर आदेश ना देगा? चलो पोस्ट चेंज कर लेते, देखो आज से मैं कमिश्नर, तुम इंस्पेक्टर, चलो। ओके सर। जी, ऐसा यहाँ ये हो जाता है? हाँ, हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है, हमारे तो 1-2 बार चैनल भी चेंज हुए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बॉयफ्रेंड मिला? आजकल बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं, हम तो कब से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए हम एक डॉक्टर भी ढूंढ रहे हैं। जे बॉस, अगर जे मेरा सामान ना मिला ना तो महेंद्र बाहुबली। आपको लगाना ही है तो कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाइए, हम भी खाएं, मजा है। ये क्या? पानी, पानी। शट अप, इधर चोरी होगी, तुम पानी बेच रहे हो। मैं पानी बेच पी रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। बेबी तुम है? बेबी देवी तुम, मुझे पहले ये बताओ मेरे बेबी को अंदर किस जुर्म में डाला है? चोरी की है इसने। चोरी की है। जी, तुम चोर हो? हाँ, हूँ मैं चोर। एक मिनट, हूँ मैं चोर, लेकिन मुझे चोर बनाया किसने? किसने बेबी, किसने? इस लड़की ने, इस लड़की के खर्चों ने, इस लड़की के मोबाइल के रिचार्ज ने, इस लड़की की शॉपिंग की डिमांड ने मुझे चोर बनाया। जी, लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, जी आजकल की लड़कियां ना जी लड़कों को चोर बना ही देती है। अच्छा, इतना रायता फैलाएंगी तो जय तो होगा। आप अपना रायता संभाल के क्यों नहीं रखती है, हर 10 मिनट बाद फैला देती हैं आप रायता। जी, रायता और हुस्न तो संभालो ना संभलता। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, बिल्कुल सही कहा। सल्ला, तुम तुम कौन हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट रेड माननी, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, तुम कहाँ चली? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही धोखेबाज औरत है, भोले भाले लड़कों को फंसाती है, पिक्चर देखती है और महंगे महंगे पॉपकॉर्न खा जाती है। झूठ बोल रहा है। तो तुम कौन सी हरिश्चंद्र की औलाद हो? मैंने सुना है फोन पे बहुत लड़कों से बातें करती है ये। जी, हो सकता है ये लड़का सही बोल रहा होगा, आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती है। थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए, मैं आपके लिए मिठाई का पैकेट लेकर आया हूँ। जी लीजिए मिठाई। जी, तो कानपुर की मिठाई लग रही है जी, डब्बा भी देखो हमारे मिठाई वाले। ये जी कानपुर के हो? हाँ, आपकी बेटी की शादी करवाओगे मुझसे? साड़ियाँ भी लेकर आया हूँ मैं। जी, साड़ियाँ तो दिखी दिखी लग रही है जी, लगता है हमारे साथ जी सामान भी हमारा ही है। ओहो, यानी केस सॉल्व, तो दिन रात कड़ी मेहनत करके आखिरकार हमने केस सॉल्व कर ही दिया। कांग्रेचुलेशन सर, हमने
केस सॉल्व कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज पहली बार हमारी सोसाइटी में हमने कोई सही काम किया है, वो भी अंत में बिना भागे। बिल्कुल। सोचो नकली पुलिस बन के हमने केस सॉल्व कर दिया, असली होते तो। नकली पुलिस? नकली पुलिस? नकली पुलिस? एक मिनट, देखो बंपर, ये जो तुमने लाइन बोली ना कि बिना अंत में भागे हमारा केस सॉल्व, उसको मुझे लगता है थोड़ी नजर लग गई। तो बहन जी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी, तो चलो फिर निकलो। देखो आपकी साड़ी, आपकी साड़ी। बहन जी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.